ये R15 का 2022 मॉडल है। इसका फ्रंट से लुक देखिए कुछ ऐसा ये दिखने वाली है। और मैं पहले आप लोगों को इसका की फीचर बता देता हूँ। इसका जो ऑन रोड प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये पड़ने वाला है 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये में फुल फेयरिंग बाइक इस क्वालिटी की आपको नहीं मिलने वाली है। थोड़ा यदि आप डाउन क्वालिटी में चाहते हैं, डाउन क्वालिटी में जाएंगे, फीचर वाइज यदि कम देखते हैं तो वो आपको 150 के आसपास भी मिल सकता है। अदरवाइज यदि आप फुल फीचर बाइक लेते हैं तो आपको इतने कम रेंज में आपको कोई बाइक नहीं मिलेगी। तो बिल्ड क्वालिटी और जो मटेरियल यूज हुआ है ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है 2 लाख रुपये, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की रखी गई है और माइलेज जो है ये आपको मिलने वाला है 40-45 के आसपास। तो ये इसका की फीचर था। अभी हम लोग इसका डिटेल में देख लेते हैं सेफ्टी एंड कम्फर्ट में आपको क्या कुछ फीचर मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। इसका जो अपर कॉल है कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है। ट्रांसपेरेंट रखा गया है इसके विंड वाइजर को और यहाँ पर आप इसके डिजाइन के पैटर्न को देख सकते हैं। ये फुली आप जो एयर है उसको स्कैटर करने वाला है। जो रॉक्स है, डस्ट पेबल्स वगैरह है या हवा का स्पीड है, यहाँ से फुल स्कैटरिंग उसका होने वाला है, ब्लास्ट होने वाला है। राइडर को एक कंफर्टेबल राइड मिलने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और 2 पॉइंट एडजस्टेबल इसमें आपको रियर व्यू मिरर मिलने वाला है। एक पॉइंट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं रियर व्यू मिरर को। रियर व्यू मिरर का जो लुक है ये काफ़ी स्टाइलिश रखा गया है, स्पोर्टी टच है और मैट ब्लैक कलर से इसको दिया गया है। तो ब्लू एंड ब्लैक कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। मैंने आप लोगों को यामाहा R15 के बारे में पहले भी बताया था, मैं आप लोगों को फिर से नॉलेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और जो भी चेंजेस हैं वो सब डिटेल हम लोग इसमें देख लेंगे। इसके हेडलैम्प में LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। आपको जो शार्पनेस मिलने वाली लाइट की काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अंधेरे वगैरह में भी आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर ब्लू एंड ब्लैक कलर का एक कॉम्बिनेशन देखिए कुछ इस तरह से। ऑन होने के बाद DRL लाइट के पैटर्न को देख लीजिए। इसके दोनों कॉर्नर में ये दिया गया है LED लाइट के साथ में, ये कुछ इस तरह से आता है। डे टाइम में भी प्रोटेक्शन देता है, रात के समय में इसकी खूबसूरती भी बढ़ती है और इसके साथ साथ प्रोटेक्शन भी। और जो साइड इंडिकेटर है एक आपको मिलने वाला है कन्वेंशनल डिजाइन में, बल्ब का इस्तेमाल किया गया है तो कुछ ऐसा ही हो जाने वाला है। डॉटेड डिजाइन है और मैट फिनिश रखा गया है इसके मडगार्ड को। बात करें हम इसके सस्पेंशन का तो फ्रंट में मिलने वाला है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जबकि रियर में आपको मिलने वाला है मोनोक्रॉस सस्पेंशन। इसके सस्पेंशन के बाद हम बात करें इसके ब्रेकिंग सिस्टम का, तो यहाँ पर आगे और पीछे दोनों में आपको मिलने वाला है डिस्क ब्रेक। यहाँ इसका डिस्क देख लीजिए, डिस्क का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। ब्रेक कैलिपर बीवर का इस्तेमाल किया गया है। आगे और पीछे दोनों में मिलने वाला है ABS ब्रेकिंग सिस्टम। तो ABS होने की वजह से आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। किसी भी कंडीशन में आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो पिन टू पिन काम करने वाला है। फिर भी मैं यही बोलूँगा कि जब आप बाइक चलाते हैं आपका जो एवरेज स्पीड है उसको ध्यान देना चाहिए। और बहुत हाई स्पीड में हैं और सडनली खड्डा आया तो व्हीकल कोई भी मशीन हो, मशीन तो मशीन ही है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद आ जाते हैं हम इसके व्हील को देख लेते हैं। तो मल्टी स्पोक्स के साथ में ग्लॉसी टच रखा गया है इसके व्हील को, कुछ इस तरह से दिखने वाला है। आगे और पीछे दोनों जो व्हील है ये आपको मिलने वाला है अलॉय व्हील कुछ इस पैटर्न पर। बात करें हम इसके व्हील साइज का तो 17 इंच का रेडियस रखा गया है और फ्रंट टायर का जो साइज है 100/80 मिलने वाला है। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया फ्रंट में, जबकि पीछे में आपको मिलने वाला है रेडियल ट्यूबलेस टायर। रेडियल ट्यूबलेस टायर का एडवांटेज हो जाता है कि कॉर्नरिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ रहता है, उस पर आपके स्किड होने की जो चांसेस है वो कम हो जाता है, रोड पर ग्रिप अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो रियर टायर है इसका साइज भी आपको वाइड मिलने वाला है, तो आपकी स्टेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। रियर टायर का साइज आपको मिलने वाला है 140/70 का। तो आगे और पीछे दोनों टायर को हमने देखा, पीछे में आपको रेडियल मिल रहा है, फ्रंट में आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद अभी हम दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। तो इसका फेयरिंग जो है अपर कॉल से लगते हुए कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। इस पर जो कलर कॉम्बिनेशन है ये मिल रहा है आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर का। और ग्राफिक वर्क की बात करें तो इसको भी ब्लू कलर से ही रखी गई है और यहाँ पर लेटरिंग जो है ये आपको व्हाइट से मिल जाने वाला है। और यहाँ पर लोअर ग्राफिक्स को देख लीजिए, ये दिया गया है ग्रे कलर से और कुछ इस तरह से आपका लेटरिंग आने वाला है version 3.0 का। ABS आगे और पीछे दोनों में इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर भी इसकी बैजिंग दे दी गई है। यहाँ से इसी से लगते हुए इसकी जो फेयरिंग है अंडर काउल तक जा रहा है, यहाँ के ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है। फाइबर का रखा गया है इसका अंडर काउल। जो डिजाइन है वो स्पोर्टी रखा गया है, फ्रंट में आपको थोड़ा सा पॉइंटेड इसका डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है। और टॉप की बात करें इसके फेयरिंग का तो यहाँ पर डॉटेड डिजाइन दिया गया है और अंदर जो है ये आपको आ जाता है ये नेट का डिजाइन कुछ इस तरह से। यहाँ पर एक ग्रिल पैटर्न दे दिया गया है, तो ओवरऑल जो इसका लुक है कुछ इस तरह से इसका टॉप से बन जाने वाला है। इंजन ब्लैक
ब्लैक कलर से रखा गया है। यहाँ पर इसके चेसिस को देखिए, और सेंट्रल बॉडी की बात करें तो यहाँ पर आने वाला है मैट ब्लैक कलर से, और डॉटेड डिजाइन यहाँ पर रखा गया है इसके लोअर पोर्शन को। और फ्यूल टैंक जो है यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डिजाइन में मिल रहा है। टॉप यहाँ पर आप इसका देख लीजिए, पैटर्न कुछ इस तरह से R15S के ब्रांडिंग के साथ में आ रहा है। फ्यूल लीड जो है ये रखा गया है सिल्वर एंड ग्रे कलर से, और दोनों साइड में यहाँ की ब्रांडिंग। ओवरऑल जो इसका अपीयरेंस है कुछ ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पर आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ये शेप इसलिए रहता है कि कम हाइट का आदमी भी इजीली उसका लेग रीच हो सके। और इसके साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि आपका फुल पेयरिंग बाइक है तो आपका जो थाइज है फुली इसके अंदर आ जाए, इसलिए ऐसा ये डिज़ाइन दिया जाता है ताकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होने पाए। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो यहाँ पर ये मिलने वाला है सिंगल टू लेवल सीट, कुछ इस तरह से यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। और ग्रैब रेल के रूप में आप इस बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप इसके अंडर बॉडी यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ में आ रहा है। और ग्राफिक्स यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकर वर्क दे दिया गया है सिल्वर एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, तो ओवरऑल जो इसका अपीयरेंस कुछ ऐसा। और बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर का, स्पोर्टी बाइक में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मिल रहा है आपको मिड साइज़ का, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत छोटा है। इसके अंडर बॉडी यदि माउंट किया जाता है साइलेंसर को, तो जो लुक है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपको यह बाहर की तरफ मिलने वाला है कार्बन फाइबर फिनिश का यहाँ पर टेक्सचर, और सेंट्रल जो फिनिश है ये आपको मिलने वाला है प्लेन से, और टेल एंडिंग हो रही है सिल्वर कलर से। और रियर अगर की बात करें तो ये मिल रहा है स्प्लिट में, मैक्सिमम टायर का जो पोर्शन है वो आपको विजिबल रहने वाला है। आ जाते हैं हम इसके टेल प्रोफाइल पर, तो LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है इसके टेल लाइट में। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कुछ ए शार्पनेस बन जाती है, और लॉन्ग रखा गया है इसके टेल लाइट को। इसके टेल बॉडी से निकलते हुए कुछ यहाँ पर आ जाने वाला ये प्रोविजन, जहाँ है सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और दोनों साइड में कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर। और लेफ्ट साइड के यूटिलिटीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी फिटेड मिलने वाला है सारी गार्ड, और इसके साथ साथ यहाँ पर मिल रहा है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, जो कि आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। इसके सेफ्टी एंड कंफर्ट के फीचर को देखने के बाद अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूँ। तो इसमें आपको मिल रहा है 155 सीसी का लिक्विड क्यूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 4 वाल्व इंजन, जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 18.6 PS का, और पीक टॉर्क इसका आपको मिलने वाला है 14.1 न्यूटन मीटर। बात करें हम इसके गियर बॉक्स का, तो ये मिलने वाला है 6 स्पीड गियर बॉक्स, फर्स्ट डाउन 5 अप। इसके इंजन के बाद अभी मैं आप लोगों को इसका डायमेंशन बता देता हूँ। तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये रखा गया है 170 mm का, और इसका जो व्हील बेस है ये मिलने वाला है 1325 mm। और बात करें हम इसके सेडल हाइट की, तो ये रखी गई है 815 mm की, और कर्व वेट इसका 140 kg होने वाला है, 142 kg इसका कर्व वेट हो जा रहा है। तो ये सारा इसका डायमेंशन और इंजन डिटेल था। अभी मैं इस पर बैठकर आप लोगों को इसका पोजीशन दिखा देता हूँ। पर बैठने के बाद जो आपका पोजीशन है कुछ इस तरह से बनने वाला है, आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो आपके रिस्ट पर आने वाला है। तो ये शायद थोड़ा सा वीक रिस्ट वाले लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। अदरवाइज इसमें जो फीचर वाइज जो है सेफ्टी के कंसर्न से देखेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा इसमें मिल रहा है, और इसका जो डिज़ाइन है, जो लुक है, वो काफ़ी स्टाइलिश हो जा रहा है। अब हम लोग इसके मीटर कंसोल को देख लेते हैं। तो इसका जो मीटर कंसोल है ये फुली डिजिटल रखा गया है। यहाँ पर लेटरिंग जो है ये आपको ब्लैक कलर से मिलने वाली है, तो कुछ ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो ट्रिप का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके आप ट्रिप का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कितना डिस्टेंस चले हैं, एवरेज किलोमीटर क्या है, और ओडोमीटर यानी आपने कितना डिस्टेंस चला है, ये सब और ट्रिप का इन्फॉर्मेशन ये देख लीजिए। और गियर शिफ्ट इंडिकेशन भी आपको ये पता चलने वाला है कि कौन से गियर में है गाड़ी, RPM लिमिट, और यहाँ पर स्पीडोमीटर, और यहाँ पर फ्यूल गेज, ये सारा इसका अरेंजमेंट है। और जब आप इसको ऑन करते हैं तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक चेक बाई डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ पर आप ये देखिए लाइट ब्लिंक हुआ, इसका मतलब कि ये जो गाड़ी है ये रेडी है, इसके सारे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो सब प्रॉपर हैं, अभी आप इसको राइड कर सकते हैं। तो ये आपको एक इंडिकेशन भी मिल जाता है। इसके मीटर कंसोल के बाद बात कर लेते हैं हम इसके कंट्रोल स्विचेस का। तो लेफ्ट साइड में आपको ये मिलने वाला है 3 कंट्रोल स्विच, अपर एंड डीपर, और इसी के साथ साथ पासिंग लाइट, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको ये मिलने वाला है किल स्विच, इसके साथ साथ इग्निशन को स्टार्ट करने के लिए। और बात करें हम इसके रेसिंग बार का, तो ये आपको मिलने वाला है स्प्लिट में, तो कुछ ए पैटर्न यहाँ पर हो जाने वाला है। ये सारा डिटेल था। और ये शोरूम है भांडुप में, इस शोरूम का नाम है सोनिया यामाहा, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, और टेस्ट राइड के लिए भी गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं, आप चाहे तो यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, और टेस्ट राइड के बाद यदि आप फुली सेटिस्फाई हो जाए देन आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये ऑथराइज डीलर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।